ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब की बार लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी मौसम गर्म हो जाता है तो कभी एकदम ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां पनपने का खतरा लगातार बना हुआ है। अम्बाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण सबसे ज्यादा सांस की बीमारी देखने को मिल रही है, जो फरवरी में स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अस्थमा के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। दूसरी बात वायरल फीवर की है, वायरल फीवर के साथ इन्फ्लुएंजा के केस भी हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे मरीजों को सिविल सर्जन ने स्टीम लेकर घर पर ही आराम करने की सलाह दी है। वहीं आने वाले दिनों में उन्होंने हीट वेव के चलने की भी बात कही, जिसमें तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि हीट वेव से बचने की बहुत जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हीट वेव बुखार और दिमाग के ऊपर असर डालती है, बल्कि किडनी, हार्ट, लीवर सभी के ऊपर असर डालती है। उन्होंने सभी हरियाणा वासियों में अम्बाला वासियों को सलाह दी कि हीट वेव से बचने के लिए घर से निकलते समय अपने सिर को ढककर रखें और अपने आप को ढककर निकलें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें। उन्होंने कहा कि दोपहर के समय जब तापमान सबसे ज्यादा होता है अपने शरीर को ढककर रखें। वहीं उन्होंने कहा कि दिन के अंदर घर के दरवाजे बंद रखें और रात को खुले रखें, ताकि रात के समय अंदर का तापमान ठीक रहे। जो लगातार मौसम चेंज हो रहा है, इसमें आप लगातार देख रहे हैं कि लोगों में सांस की बीमारी तो लगातार अब की बार फरवरी के से स्टार्ट हुई थी, अभी तक जो अस्थमा है लोगों में बहुत ज़्यादा अस्थमा के पेशेंट्स आ रहे हैं। दूसरी बात है जो वायरल फीवर है, वायरल फीवर के साथ साथ इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा की जो टाइप ए के का इन्फ्लुएंजा है, H3N2 के इन्फ्लुएंजा के केसेज भी हमारे पास यहाँ पर मिले हैं। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा क्या है कि 15 से 20 दिन तक चलता है और उसमें खांसी बहुत ज़्यादा होती है, लगातार स्पाजम आते हैं, यानी जो ये कहते हैं कि उलझ जाते हैं, सांस उलझ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को मेरी यही है कि वो घर पे स्टीम लेके अपना आराम करें। और जो ये टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें जो वायरल फीवर के जो केसेज हैं वो भी काफ़ी, उसमें कुछ नहीं करना, अपने घर पर रह के अभी पैरास्टामोल की टेबलेट लें, अगर गला ख़राब है तो गले ख़राब के लिए किसी भी अपने डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन लिखवा लें, और 3 से 5 दिन तक रेस्ट करना होता है। तो अगर ये इस तरह की सावधानी रखेंगे तो जो ये मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, तो इससे जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है इससे हमारे को राहत मिल सकेगी। आने वाले दिनों में जो प्रिडिक्शन है, अब उसके दौरान हीट वेव चल सकती है, टेम्परेचर 45-46 डिग्री से ऊपर होने की संभावना है, तो उस दौरान हीट वेव से बचने की बहुत ज़रूरत होती है। हीट वेव अकेली यही नहीं कि बुखार या दिमाग के ऊपर असर करती हो, तो ये किडनी, हार्ट, लीवर और सारे के सारे ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो आने वाले दिनों में मेरे को, मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, अम्बाला वासियों को, स्टेट वासियों को कहना चाहूँगा, अभी सिर को ढक के रखें।